नवाबों का शहर कहें या बात हो इमामबाड़ा की खूबसूरती की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाट ही अलग है। एक और खास बात जो लखनऊ को भारत के बाकी शहरों से अलग बनाती है वो है लखनवी चिकनकारी। ये आज से ही नहीं बल्कि मुगलों के समय से लखनऊ की शान बढ़ा रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, लखनवी चिकनकारी पूरी दुनिया में नवाबों के शहर की छाप छोड़ती है। लखनवी चिकनकारी कैसे की जाती है, इसमें क्या अलग है, आइए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानते हैं। चिकनकारी का खास डिजाइन इसे बाकी तरह की कढ़ाइयों से अलग बनाता है। चिकनकारी ने लखनऊ के कारीगरों को दुनिया में एक अलग पहचान दी है। ये कारीगर कपड़ों पर नक्काशी करते हैं। चिकनकारी में कारीगर कई रंगों, ढांचों और मोटिफों का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बारीक कढ़ाई किसी मशीन से नहीं बल्कि पूरी तरह से हाथों से की जाती है। कारीगर महीन सुई और कच्चे सूत के धागे से चिकनकारी तैयार करते हैं। लखनऊ की रहने वाली साधना सिंह चिकनकारी की कारीगर है। इनका चिकनकारी से रिश्ता आज से नहीं बल्कि बीते 20 साल से है। ये बताती हैं कि चिकनकारी का काम नवाबों के दौर से चला आ रहा है। चिकनकारी में सबसे पहले डिजाइन बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर कारीगर चिकनकारी का काम करते हैं। चिकनकारी में लगभग 40 तरह के टाके और जालियां शामिल हैं। इसमें फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग जंजीरा, राहत, बंगला जाली, मुंदराजी जाली, सिद्धौर जाली, बुलबुल चश्म जाली, बखिया जैसी कई कढ़ाई शामिल हैं। साधना बताती हैं कि पिछले कई साल से लखनवी चिकनकारी की मांग बढ़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा लखनवी चिकनकारी कुर्ती को पसंद किया जाता है। चिकनकारी के लिए व्यापारी मौसम के मुताबिक कपड़ा बनवाते हैं। जिस कपड़े पर चिकनकारी बनने में ज्यादा समय लगता है उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। सुंदर से सुंदर चिकनकारी कपड़ा कई कारीगरों के हाथों से होकर गुजरता है। लाजमी है चिकनकारी सिर्फ लखनऊ या भारत नहीं, इन कारीगरों की भी शान बढ़ा रही है।